देखिए मराठी में अच्छी तरह की हर तरह की फिल्में आ रही हैं, तो और वो चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की बैकिंग की वजह से। तो मराठी फिल्मों के ऊपर, मराठी आर्टिस्टों के ऊपर आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। फिल्म का नाम है शुगर सॉल्ट हनी प्रेम। हाँ, सेंटर लुक दो, हिंदी पाहिजे ना? तुम्ही प्रश्न विचारा त्या भाषेत बोलते। रेडी? फिल्म का नाम है शुगर सॉल्ट आणि प्रेम और इसकी निर्देशिका है सोनाली बंगेरा। मैं अदिति का किरदार निभा रही हूँ और ये सोनाली का, मेरे डायरेक्टर का सबसे फेवरेट किरदार है। अदिति बहुत ही सेंसिटिव सक्सेसफुल लड़की है, लेकिन कहानी में ये दर्शाया गया है कि उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं जिसकी वजह से अदिति डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी फैमिली लाइफ को संभलने में स्ट्रगल करती रहती है और क्या वो एंड में सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। शुगर सॉल्ट एंड प्रेम, इसका कुछ कनेक्शन क्या है इसके बारे में? ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि किसी भी रेसिपी में अगर शुगर है सही इक्वेशन में, सॉल्ट है, तो रेसिपी अच्छी बनती है, टेस्ट अच्छी आ जाती है। लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा सा प्यार भी ऐड करो तो ज़िंदगी में ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है, और कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी रेसिपी हो, वो कभी नाकाम नहीं होती, वो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाती है। सोनाली जी, हिंदी के साथ मराठी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी के लिए दोनों से जुड़ी हुई है, लेकिन बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार हो गए, रितेश देशमुख हो गए, श्रेयस तलपड़े हो गए, ये बॉलीवुड में सक्सेस है, फिर भी मराठी फिल्में बना रहे हैं, लोग प्रोड्यूसर बन रहे हैं, क्या वजह, कंटेंट है या क्या वजह है? मुझे लगता है कि मैं तो ये नहीं कहूँगी कि अब जाके मैं मराठी फिल्में कर रही हूँ, मैं शुरू से मराठी फिल्में करती आ रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने मेरी मातृभाषा को हमेशा न्याय दिया है। ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।